देवघर में एक बार फिर से अपराधियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। मामला नगर थाना क्षेत्र का है। जमीन ड्रग्स कारोबारी भीम महता की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है मृतक स्कूटी पर सवार होकर अपने आवास सलोना ताड़ से एसबीआई ट्रेनिंग सेंटर की ओर जा रहा था, तभी पीछे से अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। स्कूटी पर सवार तीन व्यक्तियों में से मृतक पीछे बैठे थे। गोलीबारी की आवाज सुनकर स्थानीय लोग घटनास्थल पहुंचे, आनंद फानंद में घायल अवस्था में सदर अस्पताल भेज दिया, जहां चिकित्सक द्वारा भीम महता को मृत घोषित कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही जिला के एसपी खुद घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन कर रहे हैं। एसपी ने घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी होने की बात की है। वहीं मृतक के परिजन द्वारा जमीन विवाद में हत्या होने की बात की जा रही है। मृतक के परिजन के अनुसार मृतक का अपनी मौसी से पिछले कुछ महीनों से जमीन विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। आरपी भारत, ब्यूरो रिपोर्ट, देवघर। घटनास्थल से 5 कार्ट्रिजेज बरामद हुए थे। कितनी गोली मारी गई? कुछ जो अभी तक प्राइमरी सूचना है वो 3 गोली हुई, लेकिन 5 कार्ट्रिजेज बरामद हुए। तो जो घायल है, क्रिटिकल इंजर्ड है, उसको कितनी गोली लगी क्योंकि जो हॉस्पिटल में लेके डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद। तो ये मृतक क्या करता था कुछ इसके बारे में? अभी ये कुछ जमीन का इनका कुछ विवाद बता रहा है, ये दिव्यांग है। इसके बारे में बताता हूँ कि ड्रग्स पैडलिंग का भी काम करते हैं। और ड्रग स्मगलर? ड्रग पैडलिंग में निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।